दोस्तों, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। दोस्तों, बहुत दिनों बाद वीडियो बनाने आज आए हैं, थोड़ा समय मिल पाया है। दोस्तों, इस टाइम मैं खड़ा हुआ हूँ बरेली कोतवाली के पास में, और यहीं से ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ से आज हम जाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं आप लोगों के लिए अयूब का चौराहे पर जो स्काई वॉक बन रहा था। बहुत समय हो गया है, काफ़ी समय लग गया है उसको बनने में। देखते हैं अभी तक स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है, कितना काम हुआ है। तो बाहर चलेंगे, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आज दिन है बृहस्पति का, तो काफ़ी भीड़ भाड़ कम होती है। सारे देखिए आप लोग, मार्केट बंद है लगभग लगभग। और यहीं से दोस्तों जो महादेव सेतु है वो भी बनाया गया है, वो भी देखिए यहाँ से स्टार्टिंग हुई है उसकी। सबसे दोस्तों दिखाता हूँ बैक कैमरे से आप लोगों के लिए। दोस्तों, ये है बरेली कोतवाली, आप देख सकते हैं इसके जस्ट सामने मैं खड़ा हुआ हूँ। और यहीं से ये महादेव सेतु की स्टार्टिंग हुई है। ये देखिए, ये जो महादेव सेतु है ये क्वाड़ा पीर तक गया है कुतुबखाना होते हुए। और अब हम जा रहे हैं राइट हैंड साइड में, पूरा नवल्टी चौराहा होते हुए, और स्काई वॉक दिखाएंगे आपके लिए। ये देखिए, ये पूरा नवल्टी चौराहा है। और दिन है आज बृहस्पति का, तो भीड़ भाड़ बहुत कम है। और यहाँ से अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जाएंगे तो बरेली का पुराना रोडवेज दोस्तों आपको मिलेगा। ये देखिए, यहाँ पर पुराना रोडवेज है, यहाँ से बसें मिलती हैं। और ये देखिए, पूरा सिविल लाइन्स मार्केट कुछ ऐसा दिखता है बरेली का। और रात का भी जाए समय नहीं हुआ है, लगभग 8:30 का समय हुआ है। और वैसे तो यहाँ पर इतनी भीड़ होती है कि जाम हो जाता है दोस्तों, निकलने की जगह भी नहीं होती है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि भीड़ भाड़ बहुत कम है, क्योंकि मार्केट बंद है। और यहीं पर दोस्तों सामने हनुमान मंदिर भी है, जो कि बहुत ही फेमस है। ये देखिए, आप लोग सामने देख पा रहे होंगे, वो हनुमान मंदिर है। और यहीं पर प्रसाद टाकिज भी है। तो कई चीज़ें हैं दोस्तों यहाँ पर घूमने लायक। आप लोग आएँ कभी तो सिविल लाइन में शॉपिंग करने आ सकते हैं, खाने पीने आ सकते हैं, स्ट्रीट फूड को एंजॉय करने आ सकते हैं। ये देखिए, सब शाम के समय यहाँ पर स्ट्रीट फूड वगैरह एंजॉय करते हैं। और ये रहा दोस्तों हनुमान मंदिर, आप लोग देखिए कितना सुंदर लग रहा है रात के समय में। यही है फेमस हनुमान मंदिर सिविल लाइन्स का बरेली में। और यहीं से दोस्तों ये स्काई वॉक स्टार्ट हुआ है। ये देखिए, यहाँ पर चलने फिरने के लिए बनाया गया है ऊपर, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है दोस्तों। ये बहुत समय से ऐसा ही लटका हुआ कह सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय से काम चल रहा है और अभी तक देख सकते हैं आप लोग, अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ है, काम यहाँ पर पूरा नहीं हुआ है। तो बड़ा स्लो काम हो रहा है, क्योंकि बरसात भी है तो इस वजह से काम स्लो है। और ये अयूब खां चौराहा है बरेली का, ये आप देखिए, ये पूरा बरेली का अयूब खां चौराहा है। और यहाँ पर पेट्रोल पम्प भी है दोस्तों, HP का पेट्रोल पम्प है। ये देखिए, तो पूरा स्काई वॉक का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। यहीं पर पुलिस चौकी भी है, राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो चौपले की चले जाएंगे। और ये पूरा स्काई वॉक आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा इस तरह से बन रहा है कुछ। और अभी समय लगेगा, लगता है इसकी ओपनिंग होने में भी समय लगेगा। और इसके बनने के बाद थोड़ा सा ये है कि हाँ, अच्छा लगेगा यहाँ पर। लेकिन इतनी ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि नीड नहीं थी, इतनी ज़रूरत नहीं थी इसकी बनने की, लेकिन हाँ बन रहा है, ठीक है। थोड़ा आगे भी चलते हैं दोस्तों, आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखिए कि यहाँ पर सारे शोरूम हैं, और हिंट टाकेज है बरेली का, देखिए हिंट टाकेज। और थोड़ा आगे चलते हैं, आगे ही पड़ेगा चौकी चौराहा, और यहाँ पर पेट्रोल पंप भी है 2-3। और लेफ्ट हैंड साइड पे सारे शोरूम मिलेंगे आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स के शोरूम, पेंटालूस वगैरह इस टाइप से, रिलायंस डिजिटल वगैरह। ये देखिए, एक पेट्रोल पंप ये है। और यहीं पर दोस्तों आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो मिशन मार्केट पड़ती है, और ये हीरो की एजेंसी है। तो बरेली काफ़ी अच्छा है, लेकिन बारिश पड़ रही है खूब, और जैसी बारिश पड़ के हटती है तो गर्मी होती है, तो ट्रैफिक बढ़ चुका है शहर में, तो इस कारण ये तो होना ही है। और ये इंडियन ऑयल का एक पेट्रोल पंप है, इसी रोड पर 2-3 पेट्रोल पंप मिलेंगे आपके लिए। और ये दोस्तों राइट हैंड साइड पर ये पूरी मिशन मार्केट है, ये आप देखेंगे दुकानें जो हैं यहाँ पर, बहुत सस्ते कपड़े मिल जाते हैं। और लगभग आप आएंगे तो 1000 रुपये के अंदर ही अंदर आप पैंट शर्ट अपने मन का खरीद सकते हैं इस मार्केट में। ये आप देखिए, ये पूरा मिशन मार्केट है बरेली का, और ठीक है, काफ़ी मिला के इनका बजट टाइट रहता है, वो लोग यहाँ पर शॉपिंग कर सकते हैं। चलते हैं थोड़ा सा आगे, और आगे दिखाते हैं आपके लिए जो एक चर्च है, जो कि बहुत पुराना चर्च है और काफ़ी सुंदर है, वो दिखाते हैं। उसके नीचे स्ट्रीट फूड, खाने पीने की व्यवस्था काफ़ी अच्छी रहती है। और यहाँ पर दोस्तों इस एरिया में अगर आप आएंगे तो आपको 24 घंटे खाने पीने के लिए मिलेगा, क्योंकि पास में जंक्शन भी है, आप रेलवे स्टेशन के पास से पहुँच सकते हैं। और ये देखिए,
तो लेफ्ट हैंड साइड पे सारे ठेले वगैरह लगे हुए हैं मैगी और चाउमिन बर्गर के, ये देखिए, और उसके पीछे ही चर्च है, ये देखिए कितनी भीड़ है, ये सब खाने पीने वालों की है दोस्तों, ये आप लोग देखिए, और ये सामने ही चर्च है, ये देखिए ये चर्च है और ये खाने पीने वालों की भीड़ देखिए आप, ये लाइन से देखिए दोस्तों कितना ज़्यादा स्ट्रीट फूड का यहाँ पर क्रेज़ है, लोग खाने पीने आते हैं। और इसके जस्ट सामने है बटला प्लाजा मार्केट, ये इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, और सामने ही है चौकी चौराहा। तो आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल।